तो गाइस हो चुका है हमारा सामान पैक। पहले तो देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। और आज हम जा रहे हैं बहुत स्पेशल जगह। कौन सी जगह आप कमेंट में ज़रूर गेस करना, और अगले दो चार मिनट में आपको पता चल जाएगा, पर कमेंट में गेस करो अभी, ठीक है। और ये हमारे साथ नहीं जा रही है तो हम निकलते हैं। और पहली बार मुझे ऐसे फील आ रहा है, ऐसा आके कब हो रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस वाला, वैसा फील आ रहा है। पर तुम ट्रेन से नहीं जा रहे हो ना, मजबूरन सारिका नहीं जा पा रही है, कुछ मजबूरियों के। मुझे पूछा ही नहीं गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे दिल में बहुत दर्द है। मुझे पूछा ही नहीं गया, घाव हो गए कि सारिका नहीं जा पा रही है, पर मैं इस दर्द को पी लूंगा। और मैं 7 तारीख को जा रही हूँ ना। यस पीस, चलो मैं जा रही हूँ 7 तारीख को, मैंने पापा जी से बात कर ली। बचपन से एक सपना था, एक कार, चार दोस्त और पहाड़। तो हम निकल पड़े थे अपने सफर पर, और पहली डेस्टिनेशन थी इंडियाज हाईएस्ट शिवा टेंपल, तुमनाथ टेंपल। कल रात को शुरू हुआ हमारा सफर, जिसमें हमारा पहला मिशन ये था कि हमें 12 घंटों के अंदर गाड़ी चोपटा पहुंचानी है। माइक ऐसे क्यों जा रहा है इधर, मेरी शक्ल क्यों नहीं दिख रही है? दिख तो रही है। अच्छा, तो हमें 12 घंटों में पहुंचाना था, जो कि हम नॉनस्टॉप अभी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। और पता नहीं क्यों किसी एक इंसान के दिमाग में आया ये होना चाहिए, मतलब ये रहा हो डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल, मतलब जरूरी नहीं था, पर फिर भी करना क्यों जरूरी था ये किसी को नहीं पता। और अब वो इंसान एक एक मिनट की नींद के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है हमसे सोने की, पर अब हम उसे सोने नहीं देंगे। तो ये सफर अब 12 घंटे हो चुके हैं। रात को हमने व्लॉग नहीं बनाया, अंधेरा, ऊपर से अनजान लोग, ये चार लोग क्या पता फोन छीन ले। एक तो पहचान गया था, हाँ एक तो लग भी रहा है तो अभी हम निकल चुके हैं चोपटा के लिए। जी मेरा नाम हिमांशु है। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं चोपटा, यहाँ से हम जाएंगे चोपटा से हम जाएंगे तुंगनाथ टेंपल और एक चंद्रशिला टेक। अभी जाएंगे चोपटा, चंद्रशिला और तुंगनाथ टेंपल, ये 3 कवर करेगा। और 12 घंटे से सोया नहीं है, और सो भी जाएगा, तीनों जगह घूम भी आएगा और जल्दी भी सो जाएगा, और फिर कल सुबह ये केदारनाथ का 3 बजे ट्रैक के लिए रेडी भी हो जाएगा। आप देखो, तो आप ये है मिशन नंबर 2, ठीक है। तो मिशन नंबर 1 तो अभी नहीं कम्प्लीट हुआ है, तो मिशन 2 के तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो तो गया भाई कंप्लीट, ठीक है। ये भाई क्या कर रहा है, कहाँ बना रहा है, क्या कर रहा है भाई, थोड़े व्यूज भी तो दिखा, व्यू बाद में दिखा देना, मेरे शकल दिखाना। कैमरामैन खराब है हमारा, कैमरामैन थोड़ा सा ऐसे ही है, समझ जाना, पहली बार है। यूं ही बातों के साथ पहाड़ों के बीच से चीरते हुए हम अपना रास्ता बनाते चले गए, और फिर हम पहुंचे अपने पहले पड़ाव। तो भाई साहब, हमने शुरू किया फर्स्ट ट्रैक तुंगनाथ टेंपल के लिए, और क्या हो गया तो अभी से भूल गई, होगा होगा 10-15 मिनट। ये स्टेज 3 से स्टार्ट होता है क्या, आगे जाके स्टेज बनाता है क्या? तो हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से अपना ट्रैक, 1 घंटा ले लिया कि थोड़ा सा लगे, 1 किलोमीटर का ट्रैक है। चलो देखते हैं कैसी हालत, 5 मिनट में आपको अपडेट देते हैं किसकी कैसी हालत है। ये सिर्फ एक वार्म अप ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का, इसके बाद 1 किलोमीटर चंद्रशील। हाँ हाँ, क्या होता है, हाँ तो है तो अभी अभी हमें पता चला कि एक स्कैम चल रहा है यहाँ पे, कुछ पुलिस वाले मंदिर में जाने के लिए 200 रुपये ले रहे हैं हर एक बंदे से, और ना कोई पर्ची दे रहे हैं, ना कोई अथॉरिटी है। कुछ लोगों ने हमें बताया, तो अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा सत्य है या सिर्फ छपा हुआ। हाँ, हमको गुमराह किया जा रहा है, बैठे वो सामने ही दिख रहा है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि हमने चेक किया, वो एक्चुअल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे, और फॉरेस्ट टैक्स देना पड़ता है, एंट्री टैक्स देना पड़ता है। तो पर दिक्कत ये है कि ऊपर कपाट बंद हो चुके हैं, अब हम ट्रैक तो कर रहे हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस व्यू के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी, 200 शुरू के 200 मीटर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हालत है सभी की,
क्या बोलना चाहोगे रवि जी? इजी है, इजी है, इजी है, गो गो। हाउ द जोश? जोश जोश। हाय सर बोलते भाई। भगवान जय भोलेनाथ की। जय भोले बाबा। भोले बाबा। थोड़ा नीचे रुक जाते प्लीज। इसको बताओ प्लीज कैसे यूटिलाइज करते हैं। किसे भाई? इसे देख, कभी भी तो जा रहा है ना, सबसे पहले आप लोग भी सीख लीजिए। इस पे जोर दे, इस पे हाँ। ना कि अपने पैर नहीं टूटेगी वो। 50 रुपये भी दिए भाई। हाँ, ऐसे हाँ। बूढ़े लोग चलते ना जैसे। हाँ। चलो 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 ले भैया, चल के दिखाओ हमारी ऑडियंस को। आगे वो कर। हाँ ये कर, तू पैरों की चल रहा। वाओ व्हाट अ व्यू, सारी थकान उतर गई। वाओ सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फर्स्ट 1 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा सांस में सांस आ रहा है। ठीक है, मेरी सांस को सांस आया और बाकी लोग चल रहे हैं। अखंड ने कंप्लीट किया है पहला माइलस्टोन 1 किलोमीटर का। अचीवमेंट भाई यही है हमारी। अखंड मुश्किल है यार, तो 25 करना है अभी, तो एक ही वेट करते हैं। 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा एक ही ट्रैक में। चलो दैट्स गुड। ये है हमारा नज़ारा। Look at this, just looking like a wow. क्या हो गया? मेरे सांस नहीं आ रही। कोई 100-200 रुपये मुझे नीचे उतार। 2 किलोमीटर चढ़ चुके हैं हम और कुछ हमारे साथी संगी पीछे रह चुके हैं। हाँ अभी ये भैया देखो ये लेके चढ़ रहे हैं और हम हमें एक सीख मिली है, नेवर टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ। No, always take shortcuts. Why? But pain ज़्यादा होगा if you can bear it. Take it. क्यों भाई? सही बोला? बिल्कुल भाई। है ना? हमने अभी इतने से shortcut के चक्कर में अपने पैरों की बजवा ली है। कृपया कर ये चढ़ते वक्त ये रास्ता ना ले, हमेशा आप ये वाला रास्ता ही यूज करें जैसा बनाया गया है। नहीं तो आप हमारी तरह सांस ले लो। सांस आ रहा है देखो भाई। मैं कहाँ से कर रहा हूँ? मेरे को कहाँ सांस चढ़ रहा है? मेरे को सांस आ रहा है। मुझे थोड़ी सांस चढ़ दिया। दोस्त पीछे रह चुके हैं, हम आगे आ चुके हैं। ये नज़ारा भाई साहब देखो। हाय मज़ा ही आ गया, दिल मोह लिया। काफ़ी दिनों बाद पहाड़ों में। आई लव माउंटेंस। हम पहुंच गए हैं थोड़ी ऊपर तक। 20 मिनट बचे थे बट हमारे एक सैनिक ने दम तोड़ दिया है और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम भाई अभी मत बनो। हाँ सुन निकालेंगे बनाना ना। क्या दोबारा भी बन सकता है? शायद फोन है हमारे पास। प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। निकाले तो अभी तो कपड़े निकाल रहे हो इनके। कोई बात नहीं भाई, सूप पिएगा मैगी खाएगा। टोपिया वोपिया सब लाए हैं और यहाँ मैगी बनाएंगे। हम आपको सिखाते हैं देखो कि मैगी कैसे बनाई जाती है। सूप बनाए? सही बता रहा हूँ, दोनों सही बता रहा हूँ मैं। अपनी मैगी अपने साथ लेके आना वरना यहाँ पे लुट जाओगे। 12 वाली मैगी यहाँ पे 150 रुपए की मिल रही है। सच में? हाँ भाई हमने पता किया पीछे। कल तो भाई पहले इंस्टेंट बिस्किट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी गैस लग चुकी है, 70 रुपए की मैगी। ये देखो उंगली डाल के चेक कर रहे हैं बिल्कुल हाइजीन का ध्यान रखते हुए। रवि चम्मच कहाँ है? ये रही। क्या बात है भाई, तुम 500 रुपए की मैगी खा रहे हो कम से कम। पता नहीं मैगी और पहाड़ों का कुछ अलग ही रिश्ता है और हम गिरते पड़ते अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही गए। सो फाइनली हम लोग मंदिर तक पहुंच चुके हैं, तुंगनाथ मंदिर। बट यहाँ के कपाट बंद हैं क्योंकि 1 नवंबर को भगवान को शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया। हाँ ये भी फाइनली पहुंच गया और अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ बैठ के सूप बनाएं और पिए या फिर नीचे चले। पहले सूप पियेंगे फिर नीचे चलना शुरू कर देंगे। वो लोग गए आगे, हमने सोचा कि हमें कल भी चढ़ना है तो हम यहीं पे विश्राम करें। दर्शन तो नहीं हो पाए, कपाट बंद थे पर मंदिर के दर्शन कर लिए और ऊपर वो लोग गए हैं, हम नहीं गए। चंद्रताल क्या बोलते हैं वहाँ पे गए हैं, हम नहीं गए क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी दोस्त की। सो हमने सोचा कि क्यों ना टाइम पे नीचे उतर जाएँ, थोड़ा वेट भी है तो कहीं कुछ पाँव में लग ना जाए और कल हमें केदारनाथ भी करना है। तो मैंने स्मार्टली ये डिसीजन लिया है कि भाई यहाँ से भी वही दिख रहा है व्यू, ऊपर जाके भी वही दिखेगा। रेदर देन दैट हमने पहाड़ देख लिए, अब रास्ते में कहीं रुक के हम सूप बनाएंगे पियेंगे और तसल्ली से आराम आराम से अपनी गाड़ी तक पहुँच के रेस्ट करेंगे और कल केदारनाथ के लिए रेडी होंगे। हम लोग रुके हैं एक जगह, यहाँ बना रहे हैं अपना सूप
और कैसा लग रहा है भाई इस नज़ारे के साथ? सूप का पैकेट क्या है? उसके अंदर ही होगा मैगी के साथ। फाइनली सूप रेडी हो गया हमारा, तो हमें ऐसे कढ़ाई में ही पीना पड़ रहा है क्योंकि चम्मच नहीं है नीचे, मतलब नीचे रह गए बैग में। इस नज़ारे के साथ दिखाओ, जबरदस्त वाइड में ना गरम गरम सूप। ये मस्त चीज है, इसको खरीद लो पहाड़ में, जहाँ जाओ ट्रैक बनाओ, खाओ। भाई साहब सनसेट हो गया, बहुत ज्यादा ठंड है, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे। ये देखो सनसेट हमेशा की तरह मेरे व्लॉग में प्यारा होता है और आज भी प्यारा है, पर मैंने तो पूरा ढक लिया मुंह वगैरह का, हाथ कांप रहे हैं। वो लोग आए नहीं अभी तक, तो हमने सोचा है कि अंधेरा होने से पहले नीचे चले जाए, ये रास्ता है। आई लव यू सनसेट।